हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम सुमन है। आज है 28 दिसंबर। आज मेरा बर्थडे है, लेकिन मैंने 25th को ही अपना बर्थडे वृद्ध आश्रम में मनाया, क्योंकि मेरे दिल से ही बचपन से ही तमन्ना थी कि मैं वृद्ध आश्रम में एक बार जाऊं। हर एक इंसान का कुछ ना कुछ सपना होता है, तो मेरा भी एक सपना था कि वृद्ध आश्रम बनाऊं, लेकिन वो चलो नहीं हो पाया। तो मैंने अपनी लाइफ में ये सोचा कि कभी ना कभी मैं वृद्धाश्रम जरूर जाऊंगी। तो यही सोच सोच के तो मेरे फैमिली ने भी मेरा साथ दिया, तो इस बार मैं एडवांस में ही 25 दिसंबर को अपना बर्थडे मनाने के लिए वृद्धाश्रम गई। तो वृद्धाश्रम एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाने से इंसान बहुत कुछ देखने को सोचने को मिलता है। तो जैसे ही मैं वृद्धाश्रम के लिए निकली, वहाँ जाते ही कुछ अंदर से दर्द फील हुआ। क्यों? क्योंकि वो दर्द कोई भी हर एक इंसान के बस की बात नहीं होती महसूस करना, जो मैंने करा। तो वहाँ जाकर जितने लोगों का दर्द देख सके हैं, तो वो आज भी, आज 2-3 दिन हो चुके हैं, तो मैं प्रॉपर रूप से सो नहीं पाई हूँ, क्योंकि मैंने उन इंसानों का दुख देखा है जो किसी न किसी औलाद के जरिए वहाँ पर गिराए गए हैं। वृद्धाश्रम में जैसे ही मैंने देखा, वहाँ पे काफ़ी बुज़ुर्ग औरतें थी, काफ़ी वृद्ध आदमी थे जिनका दुख मैंने सुना, तो उनकी तरसती हुई आँखों को देखकर जैसे ही मैंने देखा कि वो बेचारे आज तक क्या है कि हम लोग अपने बड़ों के आगे सिर झुकाते आए हैं, लेकिन आज वो ऐसी स्थिति में हैं कि वो हमारे जैसे अपने बच्चों के समान इंसानों के सामने हाथ जोड़ रही हैं। वो क्यों? क्योंकि उनकी स्थिति आज उनकी औलाद की वजह से ऐसी हो चुकी है कि वो बेचारे मजबूर हो चुके हैं हमारे जैसे के आगे हाथ फैलाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी आस भरी नज़रें हम लोगों को ये देखती हैं कि कौन क्या लेकर आया है, जिससे कि उनकी रोज़ाना ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उनको ऐसी चीज़ें मिल सकें जिनकी उनकी बची हुई ज़िंदगी से कुछ तो उनको मिले। तो मैंने उनके पास गई हूँ, तो उन्होंने मुझे इतने अच्छे से आशीर्वाद दिए हैं। जब मैंने उनको बोला कि आंटी जी मेरा बर्थडे है या अंकल जी मेरा बर्थडे है, तो उनके जो वहाँ आशीर्वाद से भरे हुए हाथ मेरे सिर पे थे, तो मैं शायद उनको ज़िंदगी भर भूल नहीं पाऊँगी। लेकिन उनका जो दर्द था वो आज भी मेरे अंदर है। तो मैंने कभी आज तक ज़िंदगी में कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई है, तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों के ज़रिए मैं ये चीज़ पहुंचाना चाहती हूं कि अगर आप लोगों की मुझे सपोर्ट हो या कुछ मेरा साथ दे सकें, तो हम लोग उन वृद्ध आश्रम वालों को कुछ ना कुछ उन बुज़ुर्गों के लिए कुछ करें। ज़्यादा नहीं है, हम लोग उनके बच्चे तो बन ही सकते हैं, उनके दुख दर्द में हम लोग उनका साथ भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग भी उनका साथ देंगे, तो वो इंसान अपने बची हुई ज़िंदगी के कुछ लम्हे हमारे साथ खुशी से जी सकते हैं। क्योंकि मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि जो दर्द मैंने महसूस किया है, हो सकता है कि बहुत सी दुनिया में ऐसे भी इंसान और भी होंगे मेरे जैसे, जिनके अंदर कुछ दर्द फील करने की होगी कि हाँ भाई हमें भी दर्द महसूस होता है। तो मतलब उनकी जैसे टीन की छतों के नीचे वो रह रहे हैं बेचारे, उनके पास कुछ पहनने के लिए भी नहीं है, कुछ खाने को भी जो उनको मिलता है कुछ दान वगैरह दे के जाते हैं लोग, तो वो उन्हीं से गुजारा करते हैं। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वृद्ध आश्रम में जैसे हम लोग क्या है ना, अपने ज़िंदगी में बहुत सारे खर्चे करते हैं, डेली रूटीन में भी खर्चे करते हैं, हम अपने दिन भी सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारे खर्चे करते हैं। अगर हम लोग हर एक पर्सन ये चीज़ सोचे कि थोड़ा थोड़ा हम लोग अपने महीने में से खर्चे में से कुछ भी बचा के, चाहे 100 हो चाहे 10 रुपये तक भी हो, अगर हम अपनी उसको सेविंग में से कुछ भी उन गरीबों के लिए कर सकें, तो ये बहुत ही बड़ा वो एक उपराला होगा हमारी तरफ से।
और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जो आज अपने शब्दों में कहना चाहती हूँ कि मुझे आप सबका एक शेयर और एक सपोर्ट चाहिए। वो ये नहीं है कि मुझे कोई पैसा चाहिए या कोई कुछ हो, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक सपोर्ट चाहिए। एक आप सब लोग मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम लोग किसी ना किसी वजह से शेयर करके जो वृद्धाश्रम में आने वाले और भी माँ बाप हैं उन घरों को बचा सकें, ताकि हमारे जैसे बच्चे हैं जो अच्छे मन वाले बच्चे हैं तो वो उनको खुशियां तो दे सकते हैं अगर हम लोग ये वीडियो शेयर करेंगे। अगर ये दुख जो मैंने महसूस किया है अगर कहीं ना कहीं किसी और के शेयर, मेरे शेयर करने से अगर किसी और के दर्द भी ये अंदर महसूस होगा, कम से कम वो अपने माँ बाप को घर से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर एक एक बंदा भी, एक एक इंसान को भी सुधार सके ताकि वो अपने माँ बाप को बाहर ना निकाले, तो इससे आप देखो कि कितनी दुनिया के कितने माँ बाप को उनके घर मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी ये वीडियो इतनी शेयर कीजिए कि अगर कोई भी बच्चे के अंदर अपने माँ बाप के लिए आज गलत चीज़ है कि उनको घर से निकालना है, तो कम से कम ये दर्द जो मैं देख के आई हूँ अगर वो उसका 1% भी फील कर सके तो वो ये गलत सोच ना सोचे कि उसने अपने माँ बाप को निकालना है। अब हमारे जो माँ बाप हैं वो हमारे लिए इतना करते हैं, अगर हम उनके लिए सिर्फ इतना भी कर देंगे, एक उंगली जितना भी कर देंगे तो उनका घर बच जाएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट एंड शेयर मी, प्लीज़ मेरी सपोर्ट कीजिए मुझे और मेरी ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चा, हर एक ही बेटा या बेटी अपने माँ बाप को घर से ना निकालें ताकि उनको किसी भी वृद्धाश्रम की ज़रूरत पड़े। थैंक यू वेरी मच।